को पीड़ा देने वाली, दुख देने वाली इन नीतियों को बनाने के बाद राजस्थान में चुनाव हुए, तीन वहां बुरी तरह से हार गए। पंजाब में दो चुनाव हुए, वहां बुरी तरह से हार गए। फिर आपके मध्य प्रदेश में दो चुनाव हुए, वहां से हार गए। इलाहाबाद में उपचुनाव हुए, वहां से हार गए। अब आपके यहाँ है, अब आप सोच लीजिएगा आप क्या करना है। इनके पास बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, अपनी इज्जत बचाने के लिए पैसा झोंक रहे हैं, लोगों को आत्मा खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारी आत्मा पक्की है कि नहीं है? अगर हमारी आत्मा पक्की है तो हमको कोई खरीद नहीं सकता, कोई गरीब आदमी कोई खरीद नहीं सकता। जैसा कि भाई राजेंद्र भंडारी जी ने बताया कि उनको लेकर घूम रहे हैं, उनका पैसा पैसा नहीं है, उनका पैसा उसमें उन तमाम गरीब लोगों का, उन तमाम मेहनत कश लोगों का, जो नोटबंदी के दौरान, GST के दौरान, इन कानूनों के दौरान मर गए, जो यहाँ दुख में पीड़ा में यहाँ दुनिया चले गए, उनके खून के धब्बे हैं इन नोटों, इसलिए उनके नोटों को छूना भी पाप है। ये देवभूमि है, हमारे जितने भी महान देवता हैं हमारे हिंदू धर्म के, सब कहीं वास है। मुझको भी राहुल जी ने यहाँ भेजा, तो हम लोग खैर जानते हैं कि मैदानी इलाके के हैं और प्रयागराज के हैं, जहाँ पे गंगोत्री और यमुनोत्री चली हुई गंगा और यमुना माँ वहाँ मिलती है, तो हमको संगम से उद्गम की ओर भेज कि आप जाइए वहाँ पर और वहाँ पे हमारे कांग्रेस के साथियों को इकट्ठा करके और आम नागरिकों को जो सही बात उनको बताया जाए और उनको सरकार से मुक्ति दिलाई जाए। घोषणा कर दी थी कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, नौकरी देंगे कहा है उन्होंने, रोजगार नहीं कहा। अभी क्या बता रहे हैं, पकौड़ा बेच लो। हमारे यहाँ से आपके पिथौरागढ़ से, अल्मोड़ा से, उत्तरकाशी से, टेहरी से तमाम नौजवान साथी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। अगर उनको पकौड़ा बेचना है तो यही दुकान में आपके ट्राली में ही बैठ के बेचे, क्या जरूरत है उनको लाखों रुपया खर्च करके अपने माँ बाप का पेट काट करके वहाँ जाकर पढ़ाई करें। तो नौजवानों को बेवकूफ़ बनाया, पूरे मजदूरों को, कर्मचारियों को बेवकूफ़ बनाया, किसानों को बेवकूफ़ बनाया।